जो लोग ताजमहल देखने के लिए जा रहे, मेरे हजरत से मैंने एक मरतबा यह सवाल किया कि हजरत लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं तो बोला वहां क्या नीयत होनी चाहिए। फरमाया इस नीयत से जाओ कि कभी ये भी दुनिया के मालिक बने हुए थे, आज कब्र में पहुंच गए, हम इबरत की निगाह से वहां जा रहे हैं। इस नीयत से न जाओ कि हम वहां की कारीगरी देखेंगे, वहां की जालियां देखेंगे, वहां कैसा ताजमहल बनाया गया है वो देखेंगे, इस नीयत से नहीं। फरमाया अव्वलन तो एक दूसरा मसला के जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गए हैं तो इस सूरत में इबरत की निगाह लेकर के जाओ कि ये भी कभी दुनिया के मालिक थे और ये बड़ी दुनिया के सरदार बनकर के बैठे थे, आज वो भी कब्र के अंदर पहुंच चुके हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग ताजमहल को देखने गए होंगे, वहां पर मुस्लिम भी आ रहे, गैर मुस्लिम भी आ रहे, गोरे भी आ रहे, काले भी आ रहे, दुनिया भर की कौमें वहां आ रही है और सब आकर तमाशाई बन रहे, कोई पढ़ता नहीं है, कोई कुलवल्ला भी नहीं, कोई यासीन भी नहीं, कोई सूरह इखलास भी नहीं, कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है, वहां देख रहे हैं और वो गाइड करने वाले वो तुम्हें बता रहे हैं यहां खड़े रहो, यूं सीधा नजर आता है, ये जाली यूं लगी हुई है, दुनिया भर की गाइडें की जा रही है, लेकिन वहां कोई ईमानी गाइड करने वाला नहीं है जो ये गाइड करे हमें कि ये भी तो कभी बादशाह थे, कब्र में पहुंच चुके, तुम्हें भी मर करके अल्लाह की तरफ जाना है। असल तो इस गाइड की जरूरत है, असल तो इस गाइड की जरूरत है। आप बताइए जिसकी कब्र पे कोई फातिहा खानी करने वाला ना हो, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात। मौत हर एक को दबोचती है, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अगर मौत छोड़ती तो दुनिया के एतबार से सबसे बड़े फिरौन, हामान, कारून, सिद्दार, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े लोग हैं। अगर मौत छोड़ती तो इन लोगों को छोड़ देती, लेकिन मौत ने इनको भी नहीं छोड़ा।